आज देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसमें अपना योगदान दें। कैसे? इन बातों का ध्यान में रख के। पहली बात तो यह है कि घर से ना निकलें, अगर जरूरत नहीं है तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। घर पे रहना ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू कि अगर हम कोई बीमारी लगा लें। इसलिए घर पे रहिए, घर पे सौहार्द का वातावरण बना के रखिए। घर के कामों में घर की महिला का सारे सदस्य मिलकर साथ दें, फैमिली लाइफ एंजॉय कीजिए। घर के बड़े बुजुर्गों को घर का सामान लेने के लिए या जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर ना भेजें, और ऐसे उन लोगों को भी ना भेजें जिनका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, या जो कोई किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या गर्भवती महिला है या प्रेग्नेंट वुमेन है, वो भी ना जाए। सो इन लोगों के लिए यह बीमारी और भी घातक हो सकती है, तो इन्हें घर पे ही रखें, सुरक्षित रखें, हाइजीन के साथ रखें। जब आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि आप साथ में सैनिटाइजर लेकर जाते हैं, और लिफ्ट टच करने के बाद, कोई भी अन्य वस्तु टच करने के बाद, आप अपना हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। सामान सेलेक्ट करने के बाद भी आप एंड में अपने हाथ को सैनिटाइज करें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है कि अगर आप कुछ चीज को टच किए हैं और जैसे ही आपके पास फोन आता है, आप उसे टच करके उठाते हैं और सीधा कान में लगा लेते हैं। इससे कंटामिनेशन या वायरस फैलने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए बिना हाथ को सैनिटाइज किए अपने मोबाइल को टच ना करें और कान में डायरेक्ट ना लगाएं। अगर आपने लगाया भी है तो कोशिश करें कि आप पहले इसे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें और फिर बात करें, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप स्पीकर में डालकर ही बात करें अगर ज़रूरी बात करनी है तो। जब आप पैसे का लेन देन करते हैं सामान खरीदने के बाद, तो कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक मीन जो जैसे गूगल पे है या पेटीएम है, या फिर कार्ड से पेमेंट करें, और कार्ड को रखने से पहले भी आप उसे सैनिटाइज करके ही अंदर रखें। नोट या कॉइन्स का लेन देन कम ही करें, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। अगर किसी कारणवश आपको इसे यूज़ भी करना पड़ता है या नोट लेना पड़ता है, तो एक छोटा सा बैग कैरी करें प्लास्टिक का, जिसमें आप डायरेक्टली उस नोट और कॉइन को उसमें डाल लें, और फिर उसे बंद करके उसे ऊपर से प्लास्टिक के बैग को सैनिटाइज करके, अपना हाथ सैनिटाइज करके उसे अपनी गाड़ी में एक किनारे पे रख कर लाएं। अगर आप कार पे जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो पीछे लगेज रखने वाली जगह पे ही शॉपिंग बैग या झोले को रखें। इससे आपका की सीट वगैरह पे संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। घर जब आप आते हैं तो जो चप्पल जो आप पहन कर आए हैं, उसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। उसे एक किनारे पे रखें, हो सके तो घर के बाहर ही रखें, और उस पर थोड़ा सा पानी या फिर डिसइंफेक्टिंग स्प्रे डालने के बाद ही उसे अंदर लेकर आए। अगर घर पे ही रखना है तो एक किनारे पे रखें उसे, जहाँ पर कोई उसे टच ना करता हो, और उसके बाद अपने पैर को साबुन पानी से धो लें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो जाके चप्पल टच करना या बाहर का दरवाज़ा टच करना, इस तरह की चीज़ों को टच ना करें, या शॉपिंग बैग को या सामान को इमीडिएटली टच ना करें। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेम गोज विद द पेट्स ऑल्सो। अगर आपके पास पालतू जानवर हैं तो वो आते साथ आपके पास नहीं आ रहे हैं और सामान को टच नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको शॉपिंग बैग से सामान निकाल के बैग को एक किनारे धुलने पे धोने के लिए डालना है। आप एक छोटा सा टब या बास्केट रख लीजिए, जिसमें आप डालना है आपको बैग, और जितनी सब्जियां और सामान आए हैं, सब्जी को एक टब में डाल के थोड़ा सोप डाल के, या फिर जो वेजिटेबल धोने का लिक्विड आता है उसको डाल के, या सॉल्ट डाल के थोड़ा देर के लिए सोप करके रख दें। और जब तक सारे पैकेट्स को ऊपर से सोप पानी से पोंछ दीजिए या सैनिटाइजर से पोंछ के आप एक किनारे रख दीजिए, और सब्जी को फिर दो तीन पानी से निकाल कर एक बड़े प्लेट में या पेपर पे या कपड़े पे बिछा के आप बालकनी में थोड़ा देर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने कपड़े निकाल कर फिर आप खुद भी नहा लीजिए और उन कपड़ों को धुलने के लिए डाल दीजिए। इस तरह से आप पूरी तरह से सावधानी बरतिए। जब आप बाहर से आते हैं तो आते साथ बिल्कुल भी घर के बुजुर्गों, घर के जानवर, घर के बच्चों को टच ना करें, जितना हो सके बचा के रखें।
बाहर जब जाते हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए, शेड्स का प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी आंख या मुंह खुले ना हो और डायरेक्टली कोई भी विषाणु आपके अंदर ना जा सके। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप घर पे रह रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम है जो आप सिर्फ घर पे ही रहकर कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट का अच्छा एक्सरसाइज जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके एनर्जी लेवल को भी अच्छा रखता है। और आप अच्छा खाना खाइए, फल सब्जियों का प्रयोग कीजिए, टाइम पे खाना खाइए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जैसे कि हल्दी है, लहसुन है और काली मिर्च है। सब मॉडरेशन में लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कीजिए, विटामिन सी रिलेटेड चीज़ें जैसे संतरा है, आंवला है, नींबू है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आप खाने पीने में कीजिए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। सोने का भी ध्यान रखिए, कम से कम 7 से 8 घंटे आप रेस्ट लें, ये बहुत ही जरूरी है। घर में खुशनुमा माहौल बना के रखें, आप डिप्रेसिव बातें और बहुत ही नेगेटिव बातों में इन्वॉल्व ज़्यादा ना हो। इस तरह इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम ज़रूर ही अपने देश की मदद कर सकते हैं इस बीमारी से छुटकारा पाने में। यह हम सब की जिम्मेदारी है और एक अच्छे नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।